बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं, और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाजरीन, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है, और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाजरीन, एक मरतबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है, और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ऐ शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे कि ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहां रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा, यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तनहा वीरान जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है।
इसी तरह नाजरीन उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो ये सोचता है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार छोड़ देते हैं। नाजरीन ये भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये बेचारा तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है, चाहे ये रात में बोले या दिन में। तो नाजरीन आप इन बातों से हमेशा दूर रहें, आप इन बातों से हमेशा बच कर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक बताते हैं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कोई 205 अकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन याद रहे कि चूहे, गुलहरियां, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है, इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। नाजरीन आपको बताते चलें कि आम तौर पर उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान अमारात, इनमें भी ये घोंसला बनाते हैं। आपको बताते चलें कि उल्लू से मुतल्लक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह दीदे दिखा रहे हो, हालांकि उल्लू बेचारा अपनी आंखों को घुमाने में माजूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं, और इसलिए जब ये उड़ता है तो उसके परों की बिल्कुल आवाज नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। नाजरीन याद रहे कि मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतल्लक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसकी रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली में घरों पर खुशहाली लाने के लिए जादू मंत्र करने से सेहतयाबी के लिए उल्लू की बलि यानी कुर्बानी चढ़ाई जाती है। नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आप उल्लू को मनहूस नहीं समझेंगे। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।